मेडिटेशन यानी ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जहाँ तन और मन दोनों जुड़ते हैं। मेडिटेशन दिमाग को शांत रखता है। तो आइए हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आराम की स्थिति में बैठें, अपनी पीठ को सीधा कर लें। अब अपनी आंखें बंद कर ले, गहरी लंबी सांस ले। हर आने और जाने वाली सांस पर ध्यान दे और गहरी सांसें लेते रहिए। अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपने शरीर पर लेके आए। सबसे पहले अपना ध्यान सर पर केंद्रित करें। वहां जो कुछ हलचल हो रही है उस पे ध्यान दें। अब धीरे धीरे अपने चेहरे पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखों पर और अपने माथे पर। शरीर के जिस भाग पर आप अपना ध्यान लेके जाओगे वहाँ की हलचल को पूरा महसूस करें। ध्यान रखें, सांसें वैसे ही चलती रहनी चाहिए। अब अपना ध्यान कंधे पर लेकर आए। फिर गले पर, अपनी गर्दन पर, अपनी पीठ पर। वहां की हलचल को महसूस करें। उसके बाद अपने हाथों पर, अपनी कलाइयों पर उंगलियों पर ध्यान लेकर आए। उसमें हो रही झंझनाहट को या किसी तरह के कंपन को महसूस करें। उस संवेदना का स्वीकार करें। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पेट पर लाए। पेट को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे।
उसके बाद घुटनों पर, पैरों पर, पैरों की उंगलियों पर लेकर आए। जो कुछ हलचल या संवेदना हो रही है उसे महसूस करें, उसका निरीक्षण करें। अब आप जाते हुए तनाव को महसूस कर रहे हो। अब अपने शरीर पर के ध्यान को थोड़ा आराम दे। गहरी सांसें लेते रहिए। ध्यान ऐसा अभ्यास है जहां तन और मन दोनों जुड़ते हैं, और हाँ, इसलिए हमें अपने आप को आगे के ऑर्डर्स देने हैं। आप अपने आप को कहोगे, मेरा मन बहुत ही अच्छा है, मुझ में बहुत सी अच्छाइयाँ भरी हुई है, मेरे घर वाले को मुझ पे बहुत गर्व है, मैं अपने क्षेत्र में बहुत ही सफल हूँ, मेरी कीर्ति हर जगह फैली हुई है, मैं तन से और मन से बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ और स्वाभिमानी हूँ। मुझे हर रिश्ता ईमानदारी से निभाना अच्छा लगता है। सबकी सोच मेरे बारे में पॉजिटिव है। मेरे लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे हर वक्त कुछ नया करना अच्छा लगता है। हर वक्त मेरे मन में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ चल रहे होते हैं। ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे इर्द गिर्द मंडरा रही है। वो पॉजिटिव एनर्जी मेरा हर काम पॉजिटिव बनाती है, और इसलिए मैं बेस्ट हूँ। And gradually I am becoming the best version of myself. अब आप सोचो कि आप एक बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हो। आप देख रहे हो कि आप ऐसी जगह पर हो जहाँ आसपास हरियाली ही हरियाली है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे थोड़ी देर पहले
यहाँ हल्की सी बारिश हुई हो और इसलिए मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। सामने बड़ा सा पहाड़ है और एक सुंदर नदी बह रही है। नदी का बहता पानी एकदम स्वच्छ है और उस पानी की खड़खड़ आवाज जैसे कानों में संगीत बोल रही है। साथ में पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। सूर्यास्त होने की तैयारी में है। सूर्य के सोनेरी लाल प्रकाश से आकाश भी एकदम सुंदर लग रहा है। ऐसा दृश्य जिसे किसी चित्रकार ने अपने रंग उसमें भर दिए हो। ठंडी हवा महसूस हो रही है। कहीं कहीं रंग बिरंगी फूल भी दिखाई दे रहे हैं। और शायद पास में ही कहीं मंदिर है, क्योंकि बीच बीच में मंदिर के घंट की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। बहुत ही अद्भुत और पवित्र वातावरण है जिसका आनंद आप ले रहे हो। और गौर से देखोगे तो कुछ और भी आपको दिखाई देगा, जैसे रंग बिरंगी तितलियाँ और ऐसा बहुत कुछ। उसे देखने की आप कोशिश करें। आप कुदरत की इस सुंदरता को देखने में खोए हुए हो और अचानक जैसे कुछ चमत्कार हुआ हो। एक गोल्डन ट्विंकलिंग प्रकाश धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर रहा हो। पृथ्वी पर उतर के हर देश, हर गांव, हर गली को अपने दिव्यता से भर रहा हो। अब वो सोनेरी प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है। आपके गांव गली को प्रकाशित करते करते वो अब आपके एकदम समीप आ गया है। उसे महसूस करो। अब वो दिव्य प्रकाश आप में प्रवेश कर चुका है। उस प्रकाश को अपने भीतर महसूस करिए और अपने शरीर और मन को प्रकाशित करिए। वो चेतना जो आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है उसे महसूस कीजिए। करते रहिए। आप में दिव्य शक्ति का संचार हो चुका है। पहले से अधिक एनर्जी आ चुकी है। थोड़ी देर उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए। अब आप एकदम तनाव मुक्त हो चुके हो।
आप अपने आप में एक अद्भुत शक्ति का एहसास कर रहे हो। अब धीरे से अपने दाएं हाथ को हल्का सा हिलाइए और पैरों के अंगूठों की हलचल कीजिए। दोनों हथेलियों को साथ में लाकर घर्षण कीजिए और फिर अपने चेहरे और पूरे शरीर पर अपने हाथ को घुमाइए। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलिए।